जब उसको फेस करना पड़ा यू नो एंथनी को वापस आकर, तो उसको बहुत ही बुरा लगा, उसको बहुत ही गिल्टी फीलिंग हो रही थी कि उसने यू नो एंथनी को बुरा करा और फिर एंथनी को पता लग गया और फिर एंथनी बच गया, क्योंकि वो शायद सोच रहा था यू नो एंथनी तो जा ही जा रहा है. No matter what people say, you're a fucking damn good friend. If you weren't there, I wouldn't reach till this far, man. Feeling bad for thinking, matlab I didn't trust your love. I also made a mistake. I didn't support Calcutta, man. No one. Not either. जब पूनम का वोट आउट हुआ था उस दिन आई थॉट ऑफ गेम प्लान, लेकिन जो वर्क नहीं कर पाया क्योंकि बाली ने धोखा दे दिया. अब उसके बाद जो है मेरे को थोड़ा टोन डाउन इसलिए होना पड़ा, वो एक्टिंग करनी पड़ी, क्योंकि मुझे ऐसा होप था कि ऐसा करने से एटलीस्ट मैं पूरा एंथनी का अगेंस्ट तो नहीं रहूँगा और वो सर्टेनली मेरे अगेंस्ट तो वोट नहीं डालेगा. अब गैंगटॉक दूर नहीं, आप तीनों का आखिरी सफ़र शुरू होता है कालिम्पोंग से गैंगटॉक तक. अपनी अपनी करिश्माज पर बैठ के निकल पड़िए अपनी मंजिल की ओर. निकलने से पहले अपना नया कप्तान चुन लीजिए. मैं रोडीज में आया और बाकी रोडीज को देखा तो मुझे ऐसा लगा कि इनको रिलेटिवली इजी मैं बीट कर दूंगा, बस प्रोवाइडेड स्टार्टिंग के राउंड्स थे वो हम कैलकटा वाले को बचना पड़ेगा क्योंकि वी वर फ्यू इन नंबर. अच्छा एवरीवन वाज थिंकिंग ऑफ वोटिंग अगेन बानी. बानी स्ट्रांग कंटेंडर कैसे बोल रहे हैं? बानी इज गोइंग बिकॉज़ एवरीवन हेट्स हर. बानी इज गोइंग. एंड राज केम एंड टोल्ड मी एट द लास्ट मोमेंट बिफोर द वोट आउट दैट वी शुड वोट अगेंस्ट अंकित. एंड देन आई थिंक व्हेन अंकित वाज वोटेड आउट दैट वाज द फर्स्ट केस ऑफ बैकस्टैबिंग. Ankit. I think the power shifted when Vishal was voted out. Vishal. He acted as if he was the boss and whatever he said everyone did. मुझे लगता है जो काफी यहाँ पे रोडीज गरा हैं सभी मेरे साथ और काफी सही चल रहा है जैसे हमने सोचा था. वो जब भी कहेगा ना मैं हम तेरे साथ हमेशा साथ में खड़े होंगे, हमेशा साथ में खड़े होंगे शोल्डर टू शोल्डर. मैं यहाँ पे मॉडेस्ट होने नहीं आया हूँ, मुझे यहाँ पे सरवाइव करना है. अभी तू बार बार ये बोल रहा है कि तू फेयर गेम खेल रहा है, राइट? फेयर गेम में क्या करूं मैं, बाकियों को जिता दूं क्या? कुछ बैठा रहूं कि हां भाई उसे दे दे ठीक है यार वो जीते. अल्टीमेटली ही हिमसेल्फ गॉट वोटेड आउट. तुम तो अंत तक जाने वाले थे अपने बॉयज के साथ जिनका सहारा था तुम्हारे पास, तुम्हें लगता है कि सबने तुम्हें सपोर्ट किया? शायद नहीं. मैंने मेन जो प्लान ये रखा कि एक एक करके स्टेप्स में दोनों को खत्म करना है, दिल्ली एंड चंडीगढ़ को. साइड्स बदली, धोखा दिया बोल के इधर कर रहे लेकिन उधर कर दिया, जो प्लान सक्सेसफुल रहा. द ग्रुप थिंग एंडेड व्हेन Swati and Sonam got voted out. मेरा सबसे डिफाइनिंग मोमेंट था चौकीदानी में. यहाँ पर जो मैंने दिमाग चला शायद ही को ऐसा चला पाता अभी तक रोडीज में. Who do you think you want to vote for? Raj. He is very, very cheap. I can't even sit in that room in you know in which Raj is sitting most of the times. Tell me the plan. You have to forget your friends everything. हाँ बोलो ना क्या. I just want to see me, you and Anthony in top three. हम सारे वोटेड आउट रोडीज गैंगटॉक आ चुके हैं. मुझे नहीं लगता पूनम, बानी, एंथनी और राज को पता है कि हम वापस आ चुके हैं, पर हमको उनसे मिलना जरूर है. हम सब बहुत ज्यादा गुस्से में और काफी हिसाब किताब चुते कर रहे हैं. सबके साथ हम लोग रूम में बैठे ही थे कि पूनम आ गई. पूनम वोट आउट हो चुकी थी, बस हम इसी का वेट कर रहे थे. सोनम गॉट वोटेड आउट जस्ट बिकॉज़ ऑफ वन वोट. अंकित भी. अंकित भी. इट वाज 3-2. तेरे एक वोट से सब कुछ था. ये तुमने शुरू से. आप लोगों ने रोडीज शो का ये सफर शुरू से लेकर अंत तक फाइनल डेस्टिनेशन गैंगटॉक तक खत्म किया. कांग्रेचुलेशंस. How are you guys feeling? Nice. इस सफर के दौरान आप लोगों ने बहुत सारे पैसे भी जमा किए, 3,75,500 रुपीज. बहुत सारे आपने टास्क किए और बहुत सारे वोट आउट से आप गुजरे, सर्वाइव किया आप लोगों ने. आज ये टाइम आ गया अब ये डिसाइड करने का
कि कौन ये पैसे जीतने वाला है, कौन होगा वो फाइनल रोडी जो एंड तक सर्वाइव करता है। आप लोग यहाँ पे अपने अगले इम्यूनिटी टास्क करें और जो ये इम्यूनिटी टास्क जीतेगा वो फाइनल टू रोडीज में अपनी जगह बना लेगा। टास्क क्या है जानना चाहते हो? हम लोग आपको आपके हाथ आपकी पीठ के पीछे बांधकर फांसी पे चढ़ाने वाले हैं। We're gonna hang you by your necks. आप लोग यहाँ पे अपने अगले इम्यूनिटी टास्क करें और जो ये इम्यूनिटी टास्क जीतेगा वो फाइनल टू रोडीज में अपनी जगह बना लेगा। टास्क क्या है जानना चाहते हो? हम लोग आपको आपके हाथ आपकी पीठ के पीछे बांधकर फांसी पे चढ़ाने वाले हैं। We're gonna hang you by your necks. जब आप फांसी पे चढ़े होंगे और आपके हाथ पीछे बंधे होंगे, आप एक सीसॉ के एक साइड पे खड़े होंगे और दूसरी साइड आपका वेट बैलेंस कर रही होगी एक पानी की टंकी जिसके ऊपर एक टैप लगा हुआ है, एक नलका। समय शुरू होते ही हम वो नलका खोल देंगे और धीरे धीरे पानी कम होता जाएगा और आपके साइड का जो सीसॉ है वो नीचे जाता रहेगा, जिसका मतलब ये कि आपके गले में दबाव बढ़ता जाएगा। टाइम शुरू होते ही आप लोगों को अपना हाथ जो है उसको छुड़ाना है और आपके गले में जो फंदा है उसको निकालना है। जैसे ही आप फंदा निकालेंगे आपका टाइम मैं स्टॉप कर दूंगा। जो ये टास्क सबसे जल्दी करेगा फास्टेस्ट वो ये टास्क जीत जाएगा, इम्यूनिटी जीत जाएगा और फाइनल टू रोडीज में अपनी जगह पक्की कर लेगा। एंथनी Are you ready, Anthony? Three, two, one, go! Go on, Anthony. Fantastic balance. When the time started, I started balancing myself. I think the balancing part was easy at first. The toughest part was trying to free my hands. Time is running out. Pani niche ja raha hai, bhai. As the water started decreasing from the vessel, it became more and more difficult for me to balance. That was the point where I thought I was going to fall. There was a point where where the seesaw started tilting towards my side. I tried my best, like, to counterbalancing it by putting my weight towards the vessel. Come on, Anthony. Focus. Easy, easy. Don't lose your balance. Time. Fantastic. Adventure crew. How was it, Anthony? Kaise tha? Was it tightening around your neck? Nahi? Balancing it very well. You were balancing it well? Yeah. So, do you think you've done well? Yeah. You think you're going to win it? No, I think Raj can win. Raj will win? Aisa lag raha tumhe? Kyun? Kyunki, I guess he's better. Bikes mein bahut balance hona chahiye aur he's good in biking. So are you, na? Yeah. I'm not that good. Anyways, well done. हमें आपका टाइम पता है, अभी देखते हैं राज कैसे करता है। जब मेरा डिस्क्वालीफाई हो गए पर आप। एंथनी, आप ऊपर से आपने बैलेंस किया, आपने अपने हाथ को फ्री भी कराया और आपने अपने फांसी के फंदे को भी हटाया। इस पूरे टाइम में आपने 1:22 लिए, 1:22 और आपके टास्क में कोई भी फट्टा नीचे नहीं लगा। कांग्रेचुलेशंस, वेरी गुड। बानी, आपने अपने हाथ 1:14 में 1:14 में फ्री करा दिया और जो फांसी का फंदा था, फंदा आपके हाथ वो निकलने से पहले ही फट्टा नीचे लग गया। सो यू आर ऑल्सो डिस्क्वालीफाइड, विच मीन्स एंथनी आप जीत गए क्योंकि आपने टास्क पूरा कंप्लीट किया। कांग्रेचुलेशंस। थैंक्स। हाउ डू फील अबाउट दैट? प्रीटी हैप्पी। जाहिर है कि अगर अगला वोट आउट हुए तो बानी राज के खिलाफ वोट करेंगे क्योंकि आप तो इम्यून है और राज पानी के खिलाफ, राइट? तो डिसीजन एंथनी के हाथ में, क्योंकि एंथनी अब इम्यून है। क्यों ना अभी करते हैं यार, व्हाई वेट फॉर द वोट आउट, राइट? बिकॉज़ दैट्स द फॉर्मल थिंग टू डू, नो, फॉलो प्रोसीजर। अभी इसी वक्त यहीं पर आप ये डिसाइड करेंगे कि इस शो में आपके साथ
वानी रहेगी या राज, योर क्लोजेस्ट फ्रेंड और द गर्ल यू लाइक? एंथनी जो है हमेशा कुछ भी करता था चुपके से, पीछे से करता था, लाइक द डार्क हॉर्स. और यहाँ पर क्या हो गया कि अब साले को सामने में सिचुएशन आ गई कि सामने में फेस करते उसको चॉइस करना था बिटवीन वन ऑफ हिज बेस्ट फ्रेंड्स हुज मी एंड बानी हिज न्यू फाउंड लव. डिसाइड करो यहीं पर अभी इसी वक्त, और जिसको तुमने चूज़ किया यहाँ पर रहने के लिए वो यहीं पर रहेगा तुम्हारे साथ, और दूसरा अभी इसी वक्त ये शो छोड़ कर चले जाएगा. सोच लो. सोच लिया कौन है? आई चूज बानी टू स्टे. आप चाहते राज चला जाए? क्यों? Because he betrayed me. When? कब? During the vote out. हाँ ये बात सही है, betray किया था इसको. So it's okay for me. But are you sure, Anthony? Yes. वापस कैलकुलेटर जाना है? I'm plus about the competition. That way. What about the competition? She's weaker and he's stronger. She's weaker and he's stronger. Yeah. तुम चाहते हो चले जाए? वो कैलकटा की दोस्त थी, वो सेम गैंग, बाइकर गैंग, और वो सब कुछ भूल गया तुम? उसने भी भूल गया था, गैंग दोस्ती. तो अभी राज तुमको मैं एक मौका देता हूँ, अभी यहीं पर मेरे सामने सबके सामने 2-3 मिनट एंथनी से बात करो, उसको कन्विंस करने की ट्राई करो. तुम्हारा लास्ट चांस है इस शो में रहने के लिए, अल्टीमेट रोडी बनने के लिए, और वो पैसे जो तुमने इतने मेहनत से तीनों ने इकट्ठे किए सब ने उसको जीतने के लिए. आपने सफर तो पूरा खत्म किया कोवलम से लेकर गैंगटॉक. द बेस्ट थिंग इज कि आई वांटेड टू फिनिश इन टॉप 3. यू गॉट अ बाइक आल्सो? मेरा तो सपना ही था कि मेरे को करिश्मा बाइक जीतनी है. बिकॉज़ पैसा वाज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट मेन वाज कि आई वांटेड टू बी रिकॉग्नाइज्ड टू द टॉप 3. या फैंटास्टिक. जाके सामान बांधो अपना होटल में, और गाड़ी तुम्हारा इंतजार कर रही है. Best of luck. Have a nice life. Take care. Thank you. I'll see you, guys. Thank you. Bye. Good weekend. यार ये लड़की का जादू भी ऐसा होता है कि आदमी को पूरा एकदम दिमाग पकड़ लेता है, और सब भूल जाते हैं, पूरी दुनियादारी, दोस्त, सब भूल जाते हैं लड़की के पीछे. तो वही हुआ एंथनी के साथ भी. मेरे को एंथनी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अभी भी वो मेरा दोस्त रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जब लास्ट पे 3-4 जब पहुँचते हैं तो यहाँ पे आपका फ्रेंडशिप से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है खुद जीतना, और इट्स जस्ट अ गेम्स से थोड़ा पॉलिटिक्स करना. एंड यहाँ पर एंथनी को अगर लगा कि बानी को रखना बेटर है अगर पॉलिटिकल सेंस में, सो देन इट्स वेरी गुड. क्योंकि अगर उसने सोचा कि वो भी कंपटीटर है तब सही है एंथनी का डिसीजन. लेकिन अगर वो अपना लाइक और लव सोच के अगर फ्रेंडशिप के ऊपर रखा तब उसका गलत डिसीजन है. तो यहाँ पे लास्ट में जब 3-4 बजे हैं तो पॉलिटिक्स यहाँ पे खेलना पड़ता है. मैंने भी एंथनी का अगेंस्ट पिछली बार वोट किया था. इट्स जस्ट अ गेम, आई एम नॉट एट ऑल एंग्री. मैंने भी कितनों को धोखा दिया इससे पहले, अंकित, विशाल, ऋषभ, एवरीबडी, एंड लास्ट में आके वही मेरे साथ हुआ. सो आई एक्सेप्ट इट ग्रेसफुली कि रोडीज है, रोडीज में आके होता ही है. सो यू कांट डू मच अबाउट इट. यू हैव टू लिव विद. हु वुड हैव थॉट? हाँ, किसने सोचा होगा ये कि आप दोनों एंड में रह जाएंगे? व्हाट इज इट? व्हाट इज द सीक्रेट? टेल मी. आई नो, बी हंबल. यू थिंक वानी हैज बीन हंबल सिंस? आई वाज हंबल. मैं तुम्हारा क्या सीक्रेट है? तुम दोनों एंड में कैसे रह गए मुझे बताओ. आई नो. डोंट ब्लश यार, लुक एट मी. या व्हाट इज द रीजन? माय रीजन फॉर स्टेइंग इज दैट दिल्ली एंड चंडीगढ़ वर फाइटिंग, सो लेट द फाइट. एट द राइट टाइम्स यू वन इम्यूनिटी, राइट? या इम्यूनिटी, राइट. Bani, how do you think you've come so far? Kaise hua is? I have no idea. Mere ko yakeen nahi hai ki main abhi aaya hu. Tumne aaj bhi black pehna hua hai? Oh my god. Anyways, apne apne charisma bike se baitho aur apne hotel wapas jao. Take some rest. I'll see you later. Best luck. Congratulations. Final 2. Look at each other. One of you is going to win 3,75,500 rupees. Which is very less. Yeah. We should have owned. So you can give it back to me. If you like. Best of luck.